पूरा का पूरा देखिए किस तरह से बनाया गया, हवेली नुमा है। और सबसे अच्छी बात ये कि यार ये चट्टान को काट के बनाया गया, कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है। ये एक्चुअली में श्रृंगार चौक बोला जाता है, यानी कि यहाँ से रानियाँ जो हैं वो बैठा करती थी, और जब राज तिलक होता था वो यहाँ पे होता था, इस जगह पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय लीला भंसाली के किसी सेट पे आ चुका हूँ किसी फिल्म के। घणी सा जोधपुर में आपका स्वागत है, और जोधपुर के पहले एपिसोड में मैं आ चुका हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट, जो यहाँ की शान है जोधपुर की, ठीक मेरे पीछे। और आप घंटाघर से भी आ सकते हैं ऑटो वगैरह लेके, इवन काफ़ी सारे आपको व्हीकल्स मिल जाएंगे, इजीली वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आ सकते हैं और मेहरानगढ़ फोर्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और विजिट करते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट को। आइए, फाइनली मैं आ चुका हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट में स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ठीक मेरे पीछे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा चेकिंग होता है जहाँ पे आपका बैग वैग चेक किया जाता है। अंदर जाके आप टिकट ले सकते हैं, अभी यहाँ पे टिकट अवेलेबल नहीं है, अंदर जाके टिकट्स मिलते हैं। थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा, मास्क मैंडेटरी है इसलिए मैंने मास्क पहना हुआ है, और ये जो आप भी देख रहे हैं आप सनग्लासेस, एक्चुअली में ये धूप से बचने के लिए मैंने लगाए हैं। तो यू कैन सी कि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी और थोड़ी धूप जोधपुर में है, बट दिस इज द लाइफ ऑफ ट्रैवलर। तो चलिए अंदर चलते हैं। एक्चुअली में मेहरानगढ़ फोर्ट में जो एंट्रेंस टिकट है वो है 200 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा लिफ्ट भी अवेलेबल है, आप लिफ्ट ले सकते हैं, 50 रुपीज़ चार्जेस उसके हैं। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, म्यूजियम एंड ऑल दैट सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ से हमने टिकट अभी फिलहाल ले लिया है, एंट्री टिकट, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना मेहरानगढ़ फोर्ट का ट्यूर। चलिए, मेरे पीछे की तरफ ये पालकी करके एक जगह है जहाँ पे एक्चुअली मैंने पानी की बोतल ली है अराउंड 30 रुपीज़ कॉस्ट में, और यहाँ पे आप कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं। उसके बाद ये जो एंट्रेंस जा रहा है यहाँ से, ये एक्चुअली में मेन एंट्रेंस है जहाँ पे आप अंदर जाएंगे और देखेंगे म्यूजियम्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, और आपको बताऊँगा फिर मैं इसकी कहानी मेहरानगढ़ फोर्ट की। चलिए अंदर चलते हैं। बेसिकली जोधपुर जो पूरा शहर था वो बसाया था राव जोधा ने 1459 में, ये मई 1459 में बसाया था राव जोधा ने, और तब ये जोधपुर बना, और एक पूरी पूरी चट्टान को काट के मेहरानगढ़ फोर्ट बनाया गया। और एक खंडवालिया करके समाज थे जिनको ये आर्ट थी कि बड़ी चट्टानों को कैसे काटा जा सकता है, और उसी को काटते हुए मेहरानगढ़ फोर्ट पूरी तरह बनाया गया। ठीक मेरे पीछे की तरफ जो ये जगह देख रहे हैं आप, ये जो जा रहा है पहला एंट्रेंस, इस तरह से करीब 7 दरवाजे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में। ये पहला दरवाज़ा जिसको बोलते हैं जयपोल, और जयपोल बेसिकली जो राजा मानसिंह थे उन्होंने बनवाया था, क्योंकि उन्होंने बीकानेर और जयपुर की आर्मी को हराया था, और उसी के कारण ये जयपोल बनाया। जय का मतलब होता है विक्ट्री, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ विक्ट्री गेट, सो उन्होंने ये बिल्ड करवाया, और यहीं से आप एंटर करते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे थोड़ा सा आपको साउंड मिलेगा राजस्थान के कल्चर का, यहाँ पे जो अभी हम स्टार्टिंग में देखा किस तरह से एक कोई वाद्य यंत्र होता है यहाँ का वो बजा रहे थे। और इस तरह से 7 गेट आते हैं एंट्रेंस गेट जो सिर्फ मेहरानगढ़ फोर्ट में है, जो जयपोल है, उसके बाद आता है फतेहपोल। फतेहपोल की कहानी कुछ इस तरह से है, जो महाराजा अजीत सिंह थे उन्होंने मुगल्स को हराया था, और इसलिए उन्होंने इस जगह का जो दरवाज़ा बनाया उसको रखा फतेहपोल। फतेह यानी विक्ट्री होता है, जैसे फतेहपुर सीकरी के अंदर है फतेह, उसका मतलब भी यहाँ पर वही है। और उन्होंने भी एक गेट बनाया उसी सम्मान में, उस जीत के सम्मान में। सोचिए कि उस टाइम पे
मुगल्स को हरा के महाराजा अजीत सिंह ने ये दरवाज़ा बनाया था। तो लगातार एंट्रेंस ऐसे बहुत आएंगे, ऐसे बहुत सारे गेट हैं और एंड में जाके एक गेट आता है जिसे लोहा पोल बोलते हैं और उसकी भी अपनी कहानी है, जैसे आगे चलेंगे बताते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। टर्म्स यूज कर सकता हूँ, एक्सपेंसिव कोर्टयार्ड। मुझे लगता है कि इससे बेटर कोर्टयार्ड जो एक फोर्ट्स के अंदर होता है वो शायद पूरे राजस्थान में नहीं है। यू कैन सी अभी थोड़ा सा धूप आ रहा है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा देखिए किस तरह से बनाया गया, हवेली नुमा है। और सबसे अच्छी बात ये कि यार ये चट्टान को काट के बनाया गया, कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है, कार्विंग्स हैं, पत्थर पे कारीगरी भी है, लेकिन जो कोर्टयार्ड है जिस तरह से गेट पे गेट है, पोल बनाए गए हैं, उसके बाद आप एंटर करते हैं फोर्ट के अंदर, मेहरानगढ़ फोर्ट। अमेजिंग अमेजिंग यार जो आर्किटेक्चर है मोन्यूमेंट का। अभी हम आगे जाएंगे क्योंकि फोर्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और ऊपर चलेंगे हम और फिर वहाँ से आपको दिखेगा जोधपुर का जो ब्लू सिटी वाला फ्लेवर है वो आपको दिखेगा। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन यू नो जितना हिस्ट्री के साथ आप जा रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो लाल रंग का पत्थर आप देख रहे हैं और ये जो पूरा झरोके बने हुए हैं, और ठीक नीचे की तरफ आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर संगमरमर का बना हुआ, यानी कि वाइट मार्बल का बना हुआ है, ये एक्चुअली में श्रृंगार चौक बोला जाता है, यानी कि यहाँ से रानियाँ जो हैं वो बैठा करती थी और जब राज तिलक होता था वो यहाँ पे होता था इस जगह पे, तो रानियाँ यहाँ से ऊपर से देखती थी श्रृंगार करके और वो यहाँ पे देखती थी झरोके से जो राज तिलक होता था। तो ये बेसिकली जो इलाका है इसको बोलते हैं श्रृंगार चौक। और फिलहाल श्रृंगार चौक के ठीक सामने अभी हम म्यूजियम में एंटर कर चुके हैं और म्यूजियम के अंदर एक चीज़ आप देखेंगे, जितनी भी चीज़ें राजा महाराजाओं के टाइम की थी वो सारी चीज़ रखी गई है। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं तिलक पौधा। एक्चुअली में जो युद्धों के टाइम पे जो बैठा करते थे राजा, तो यहाँ पर एक जो पीछे एक जगह होती थी उसमें महावत की जगह होती थी और दूसरे में जो राजा होते थे वो बैठा करते थे। इस तरह से म्यूजियम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आगे आप देखेंगे जो संरक्षित करके रखी हुई है, सबसे अच्छी बात है मेहरानगढ़ फोर्ट की। चलिए आगे देखते हैं म्यूजियम में और क्या क्या है। और हम हैं इसके दूसरे हिस्से में, इसको बोलते हैं पालकी खाना। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की पालकी। पालकी बेसिकली यदि आप देखें यहाँ पे फोटोज काफ़ी सारी हैं, इस तरह से पालकी हुआ करती थी, ये महिलाओं के लिए होती थी और जो लेडीज़ होती थी उनको बैठाया जाता था। एक पालकी के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ती थी, इसमें 4 लोग धोते थे, 4 लोग रेस्ट करते थे, तो अगले 4 लोग फिर आते थे और फिर वो पालकी ढोते थे। इस तरह से सेटअप चलता था और यहाँ पर तरह तरह की पालकीज आपको दिखेंगी, कुछ लोहे की हैं, कुछ लकड़ी की बनी हुई हैं, ये वाली भी पालकी हैं। श्रृंगार चौक के गेट से हम जैसे एंटर करते हैं हमें सीधा सामने दिखता है दौलत खाना। दौलत खाना अपने नाम में ही है, खजाना था राजपूत शासक जो थे उनका। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी पहले की चीज़ें हैं वो कहीं ना वो जो ग्लोरी है राजपूत शासकों की वो ग्लोरी आपको देखने को मिलेगी। कुछ बहुत ही सोने की बनी चीज़ें अंदर दिखाते हैं। चलिए आप तोप रखी हुई है, बाकी तो अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये है दौलत खाना। इस जगह की दो जो सबसे अच्छी चीज़ है, पहले तो ये कि आप ये है गणगौर की मूर्ति। गणगौर जो कि राजस्थान का सबसे खास फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है, गणगौर और तीज, उसमें से गणगौर है और ये गणगौर की मूर्ति है। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं, जब हम एंटर किए थे तो एक बहुत बड़ी पालकी दिखाई दी थी। ये जो पालकी है महाराजा अभय सिंह ने गुजरात में सूबेदार थे, मतलब मुस्लिम शासक थे, उनको हराया था, उनको हरा करके ये पालकी वो लेके आए, तो ये पालकी उसी युद्ध में जीती हुई है। दौलत खाना के ठीक पास में है दरबार, तो ये जो इलाका है दरबार है। अब दरबार से ऊपर की तरफ जाएंगे जहाँ पर हमें दिखेंगे ये इधर है शीश महल, फूल महल और तख्त गिलास। अपने आप में कितना खूबसूरत है ये आप ऊपर देख सकते हैं, तो चलिए ऊपर चलते हैं। फिलहाल इस तरह की जो तीन चीज़ें आपने मैंने बताई सीढ़ियों से ऊपर आप आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं। ये सामने जो चीज़ आपको दिख रही है ये है तंबू,
राजशाही लोग, उनका ये तंबू होता था रेगिस्तान में कहीं इसी इलाके में, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते तो आसानी से जाया जा सकते थे। और आगे अभी एक चीज़ आप देखेंगे वो है अंगरखा, जिसको पहनते थे वहाँ के राजा महाराजा, और सूती कपड़े का बना होता था। यह अंगरखा सूती कपड़े का बना होता था और प्रोटेक्टिव भी होता था, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से राजा जो महाराजा थे वो पहना करते थे इसको। ये इस मेहरानगढ़ फोर्ट का जो म्यूजियम वाला हिस्सा है उसका सबसे अच्छा पार्ट है। अभी ये जगह आप देख रहे हैं लाइटिंग हो रखी है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया शीश महल है। शीश महल आमिर फोर्ट के अंदर भी है, मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर भी है, और ये शासकों ने बनाया था शीश महल। बहुत ही खूबसूरत होता है, यहाँ पे लाइटिंग जलती है, और इसके अलावा ना आपको जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनकी भी, उनके पैनल्स आपको मिल जाएंगे। और फिलहाल हम और अंदर की तरफ जा रहे हैं। और हम फिलहाल आ चुके हैं फूल महल। अभी थोड़ा देखिए कितना खूबसूरत है, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मैं एक एक आयदान ऊपर जा रहा हूँ और भी खूबसूरती मिल रही है मुझे शीश महल से। फूल महल, फूल महल को बनवाया था महाराजा अभय सिंह ने, और इसकी दीवारों पे क्या कारीगरी है, मतलब चित्र बनाए गए हैं और रंगीन बिल्कुल चित्र हैं। और ऊपर के सिरे पर, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर राजा तख्त सिंह के 10 राजकुमार थे, उनमें से 9 की चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनकी भी एक प्रतिमा मिलेगी, और इस तरह से छोटे छोटे यहाँ बैठने की जगह थी, यहाँ पर नृत्य वगैरह होते थे। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत, मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय लीला भंसाली के किसी सेट पे आ चुका हूँ किसी फिल्म के। और बहुत ही खूबसूरत यार ये सीन। और यहाँ से फिर आप जैसे ही बाहर निकलते हैं ये आप बिल्कुल आप बाहर की तरफ आ जाते हैं, और ये देखिए ये यहाँ से आप जोधपुर का नज़ारा और करीब से देख सकते हैं। आप सोच सकते हो कितना बड़ा है ये फोर्ट, कोर्टयार्ड पे कोर्टयार्ड है, छोटे 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 जगह बना रहे हैं। अभी मर्दानी डोडी से हम बाहर आए हैं निकलते हुए, तो फिलहाल अभी हम जो हैं आए हैं ये जो आप देख रहे हैं मोती महल है, और मोती महल के सामने जो है ये मुगल काल का मतलब उसी में बनाया हुआ एक सिंहासन है, वो यहाँ पर बैठा करते थे तो इसी तरह से। लेकिन सबसे खास चीज़ जो है वो ये सोने की नक्काशी की हुई ये शानदार जो छत आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ शीश महल में, ये सबसे खास है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मोती महल में, शीश महल में नहीं। और ये यहाँ पर बैठने के लिए जगह होती थी, तो ये है मोती महल और ये पूरा कोर्टयार्ड। चलिए फिलहाल हम एक और जगह में आ चुके हैं, आप एंटर करते जाएंगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बाहर लिखा हुआ था जनानी डोडी, तो ये जगह कुछ इसी तरह से है। शायद ये जगह जो है वो महिलाओं के लिए बनाई गई थी, क्योंकि झरोके हैं यहाँ पर पूरी तरह से। तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सोई वे, तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सोई। यहाँ से हम जब हम पूरा टूर कर लेते हैं तो ये एक क्राफ्ट बाज़ार है जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, यानी कि जूती, जहाँ में मोजड़ी वगैरह मिलती है, जूती बहुत फेमस है जोधपुर की। और ये जो आप देख रहे हैं ये नागनेश्वर माता का मंदिर है, कुलदेवी थी राजपूत शासकों की,
नागनेश्वर माता, शूज उतार सकते हैं और आप अंदर दर्शन कर सकते हैं। और मेहरानगढ़ फोर्ट में यानी सारा जो म्यूजियम कवर करने के बाद फाइनली ये है लास्ट स्टॉप मेहरानगढ़ फोर्ट का। और ये ठीक पीछे की तरफ आप जो मंदिर देख रहे हैं वो है चामुंडा देवी का मंदिर, और वाइट मार्बल में बना हुआ ये टेंपल। एक्चुअली चामुंडा देवी जो मंदिर है ये इसकी जो मूर्ति थी वो मंडोर से लेके आए थे राव जोधा, जो जिन्होंने जोधपुर बसाया था, जिन्होंने इस मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था। और वो उनकी कुलदेवी थी प्रतिहार वंश की, जो मंडोर में राज करते थे, और वहाँ से वो आइडल लेके आए, वो प्रतिमा लेके आए, और तब से चामुंडा देवी की ये टेम्पल है। तो चलते हैं अंदर, आइए। चामुंडा देवी जो माता का मंदिर है वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, कैमरा अलाउड नहीं है। और चामुंडा माता मंदिर के साथ ही हमारी जो मेहरानगढ़ ट्रिप की जो जर्नी है पूरी वो यहीं पे एंड होती है। यहाँ से आप वापस से बैक ले सकते हैं और सीधा नीचे जा सकते हैं। और तो बाकी कुछ स्पेशल नहीं है, पर यहाँ पे मंदिर में आप ज़रूर आएँ, प्रसाद ज़रूर लें। बहुत ही फेमस कुलदेवी मानी जाती है यहाँ के लोगों की, और जोधपुर की भी अपने आप में कुलदेवी से कम नहीं है चामुंडा माता मंदिर। लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो फिलहाल खम्मा घणी सा जोधपुर की इस यात्रा में मिलेंगे एक और एपिसोड में, अगले एपिसोड में कुछ और नई कहानियों के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लिए चैनल को, क्योंकि जोधपुर की हमारी ये जर्नी बनी रहेगी इसी तरह से। चलिए